म्यूकर माइकोसिस ने अपने पाँव पसारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के साथ साथ ही संपूर्ण देश में म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होते दिखाई दे रही है। ऐसे में होप अस्पताल के संचालक डॉक्टर बीके मुरली ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि इस फंगस से बचना आसान है, बस थोड़ी सावधानी की जरूरत है। वहीं इस बीमारी के बारे में तरह तरह पर भी डॉक्टर मुरली ने पूर्ण विराम लगाया, जिनसे बात की है हमारे मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है, उसने अपने पाँव पसारना शुरू कर दिया है। 1500 के ऊपर केसेस महाराष्ट्र में है। राजस्थान ने इसे पैंडेमिक घोषित करने की मांग की है। नागपुर में भी इसके केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर 26 लोगों ने अपनी जान इस बीमारी के कारण गंवाई है। क्या है म्यूकोरमाइकोसिस, क्या है ब्लैक फंगस, उसी के साथ साथ व्हाइट फंगस जो है ये भी बीमारी सामने आई है, तो ये क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है होप हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीके मुरली। इन्होंने अपने हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के कई मरीजों को ठीक किया है। सर, ये बीमारी जो है वो फिलहाल लोगों ने नई नई सुनी है, क्या ये बीमारी वाकई में नहीं है या फिर इसके पहले भी ये जो बीमारी है ये अस्तित्व में थी? किस तरह से इसे बचा जा सकता है, क्या बताएं? ये जो डिजीज़ है ये म्यूकोर नाम का जो फंगस है उसके कारण होता है। जो म्यूकोर है ये बहुत ही रेयर फंगस है, लेकिन रेयर डिजीज़ है, लेकिन ये म्यूकोर सब जगह है, यानी हवा में, ज़मीन में, सब जगह है। और ये जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ उन लोगों में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, उनको स्टेरॉयड दिया गया है, इम्यूनिटी कम हो गया, या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों में ये होता है। और ब्लैक फंगस भी एक टाइप का म्यूकोर फंगस है और वाइट फंगस भी एक म्यूकोर फंगस है, और ये दोनों ये कोविड पेशेंट्स में अभी देखा गया है कि काफ़ी लोगों में ये पाया गया है। अब वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में ये फ़र्क है, वाइट फंगस रैपिडली स्प्रेड होता है, उसका मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल बहुत जल्दी हो जाते हैं, उतना इंसिडेंस है अभी फ़िलहाल है नहीं जितना कि हमने पिछले महीनों में ब्लैक फंगस का देखा है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इसकी दवाई उपलब्ध नहीं है, क्या ये इसे, अगर ये म्यूकोरमाइसिस होता है तो इसे हम बच सकते हैं, कितना मोर्टेलिटी रेट फिलहाल सामने आ रहा है? देखिए, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है, 5th-6th डे ही बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, तो ये इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये सिम्टम्स उसके ये हैं कि फेशियल सूजन बहुत जल्दी हो जाता है, डिस्कलरेशन आ जाता है नाक में, ब्लाइंडनेस हो सकता है, विजिबिलिटी जो विजन है वो कम होता है, हेडेक हो सकता है, दांतों में इन्फेक्शन दिख सकता है, और जो खांसी में ये खून निकलना, ये सब भी इसके लक्षण हैं। यदि इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंटीफंगल ड्रग्स देते हैं जो आजकल गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को सप्लाई किया है, तो ये और एक दो और ड्रग्स हैं जो इसमें काम आते हैं, तो ये यदि हमने ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में शुरू किया तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि ये ब्रेन को इन्वॉल्व करता है या बायलैटरल साइनसेस या बायलैटरल मैक्सिला इन्वॉल्व करता है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। सर, ये कोविड पेशेंट जो रिकवर हो रहे हैं उन्हें ज़्यादा हो रहा है, क्यों होता है? और ये कहा गया है कि स्टेरॉयड के ज़्यादा यूज़ से भी ये हो रहा है, तो क्या ये जो रीज़न है ये सही है? देखिए, कोविड पेशेंट्स में क्या होता है, कोविड जिनको क्रिटिकल थे और लॉन्ग स्टैंडिंग यदि उनको स्टेरॉयड दिया गया है, और जो पेशेंट्स डायबिटीज़ ऑलरेडी हैं उनका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, और वो कंट्रोल में यदि नहीं रहा, और जैसे पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनके शुगर लेवल्स यदि कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो ये ऐसे लोग ससेप्टेबल हैं म्यूकोर माइकोसिस के लिए। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स ही ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, तो ये एक कारण है। दूसरा, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम रहता है। तीसरा, कैंसर पेशेंट्स जिनको इम्यूनिटी कम रहता है, ऐसे पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन। सर, एक फिलहाल चर्चा चल रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कारण जो है ये बढ़ रहा है, साफ सफाई के बारे में बात कहे जा रहे हैं, तो क्या ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कारण हो रहा है या फिर जिस तरह साफ सफाई नहीं है इसके कारण हो रहा है? नहीं, ये भी इट्स अ मिथ, ये बहुत गलत है ये सोचना कि
और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या मेडिकल ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन में फंगस सर्वाइव नहीं होता है। ये फंगस जो है एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज ऑक्सीजन से जो म्यूकोसा है वो अंदर से थोड़ा ड्राइनेस ज़्यादा होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से ये ज़्यादा होता है, ये गलत है। सर पता नहीं ये सवाल आपको कैसा लगेगा कि कहा जा रहा है कि नाक से अंदर जाता है, तो हम मास्क पहन रहे हैं तो इसका कोई यूज नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ था और कैंसर पेशेंट्स और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इन्होंने मास्क पहनना ही चाहिए। ये दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस। एक बार हो गया तो ये बहुत, इसकी मोर्टैलिटी हाई है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये मास्क पहनना ऐसे पेशेंट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे पेशेंट्स अपना शुगर लेवल चेक कराते रहे घर में भी, वो दिन में 4 बार खाना खाने के पहले बाद में शुगर लेवल चेक करें और डॉक्टर से एडवाइस लेके उसको कंट्रोल में रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर ये फंगस कहाँ पाया जाता है, मेनली कहाँ पर हो सकता है? देखिए ये फंगस जो है ये अफेक्ट करता है जो फेस है, जो जॉ हो गया, जो एयर जो पाइप्स हैं, एयर पाइप्स और साइनसेस जो है, साइनसेस और ब्रेन, तो ये पोर्शन में ज़्यादा ये फैलता है। लेकिन वाइट फंगस जो है ये बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, किडनी, इंटेस्टाइन, नेल्स, स्किन, ये सब भी अफेक्ट करता है। तो ये फर्क है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में। ये म्यूकर माइक्रोसिस जो बीमारी है इससे सिर्फ वही लोग डर सकते हैं जिन्हें कोविड हुआ, जो सीरियस थे, जिन्हें ज़्यादा स्टेरॉइड लिया है, सामान्य जो जिन्हें कोविड था, मॉडरेट सिम्टम थे या सीवियर नहीं हुए, तो उनको कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है, ये उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको डरना है। एक जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लिया है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है, उनको प्रिकॉशन लेना है। दूसरा ऐसे लोग जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है या कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ है, ऐसे लोगों को ही ये डरना चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये तो थे डॉक्टर बीके मुरली जिन्होंने म्यूकर माइक्रोसिस जो वाइट फंग जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है और वाइट फंगस के बारे में जानकारी दी है कि कौन जो लोग हैं जिन्हें इसके लिए प्रिकॉशन करना चाहिए। फिलहाल इसके लिए कोई दवाई नहीं है, प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है जिससे इससे बच सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, अगर उस तरह से आपने प्रिवेंशन लिया तो म्यूकर माइक्रोसिस जो है वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV24 नागपुर।